दोस्तों वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। बाकी मैंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे तो माफ़ कर देना छोटा भाई समझ के। ठीक है, वीडियो को मस्त देखें, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, आज हमारे गांव वाले सुरसरा धाम जो तेजाजी की मरण स्थली है वहाँ से जोत लेके आए। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गाँव वालों ने ये जो आयोजन है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको किया है, और सभी लोग मतलब गए तब तो ट्रैक्टर के अंदर गए थे, बाकी वापस आए तब पैदल यात्रा करके ही मतलब जोत की जो प्रक्रिया है वो वहाँ से आरंभ करते हुए और धीरे धीरे यहाँ गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हमारे। और देखिए डीजे की पिकअप भी है आगे और गांव वाले भी है, और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है गाँव वाले और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आनंद लेते हुए। और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश भी आई थी आज भाई साहब, तेजाजी की जो जोत है वो लेके आए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी। हालांकि ऐसी बारिश तो जो चौमासा है उसमें भी आपको देखने को नहीं मिली थी, हालांकि काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश है ना। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी का जो आगे वाईफाई चल रहा है फिर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी तेज़ बारिश आई थी। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा भाई साहब, देखिए व्यू भी काफ़ी अच्छा है फिलहाल, और चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं, कभी भी वापस तेज़ बारिश आ सकती है। और हालांकि हमारे जो तेजाजी का पहले वाला जो वीडियो डाला मैंने नई धाम वाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपने उस पर कमेंट और लाइक किए थे उस पर, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था उस वीडियो पे। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसे भी देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी। सो भाई साहब, हम पहुँचने वाले हैं गाँव कुछ ही देर में। हालांकि थोड़ी जो डीजे की जो लाइट है उसकी वजह से थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ रही क्वालिटी में, बाकी देखिए यहाँ से देखिए जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा, देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा। वैसे कल दशा और ग्यारस एक साथ है, तो बाबा का मेला भी है हमारे ग्यारस का, और कल तेजादशमी भी है, तो तेजादशमी का कल मेला भी भरेगा तेजाजी का। काफ़ी ज़ोरदार और धूमधाम तरीके से ये मेला आयोजित किया जाता है हर बार। भाई देखिए बारिश आ गई है, और देखिए हम किधर है, क्योंकि हम इतने दूर से झंडा लगाकर अभी आ रहे हैं, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। हाँ तो ये देखी देता, मैंने कुछ दूसरा लगा दिया, और ये देखो बहुत सारे लोग हैं, और गाइस आपको हमके पीछे कीड भी है जो कि आपको अभी नहीं दिखा सकते। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे और बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है वापस, सामने जो हमारे गांव के लोग जा रहे हैं उन्होंने देखिए कैसे त्रिपल का बना हुआ वो ऑर्डर का है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है और बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि अभी तो बूंदाबांदी है नॉर्मल, बाकी इससे पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी जिसकी वजह से सभी लोग भीग गए थे, कितना ही ओढ़ लो सब भीग गए थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और यार नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा और हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। यहाँ से देखिए हमारा माता रानी का मंदिर भी दिख रहा है, वो लाइट दिख रही है आपको ऊपर, वो हमारी चामुंडा माता के मंदिर में स्थित है, तो बना रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आगे हम आपको कंप्लीट बताएंगे जहाँ तेजाजी के हमारी जो कर्मस्थली है हमारे गांव में तेजाजी धाम है, वहाँ पे जोत लेके जाएंगे, वहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि मिस नहीं करना बिल्कुल, वीडियो को एंड तक देखना है, वो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं आगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो भाई साहब हम आ चुके हैं गांव में, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं जोत को कैसे ले जाया जा रहा है, सभी लोग चारों तरफ ऊपर छत की तरह बना के त्रिपाल को पकड़ रखा है, और क्योंकि जोत को कोई हानि ना पहुंचे, है ना, जोत बुझ ना जाए, उसकी सुरक्षा के लिए ये
कर रखा है। ये देखिए भाई साहब, I'm gonna go get some more.